गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और रात हम आ गए थे चोपता, जैसा कि तुमने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। और अभी हम अपना नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और अभी मैगी बन रही है। राजा वे, ये देखो भाई कितना मैसी रूम में पड़ा है अभी सारा सामान। यहाँ सारे चार्जिंग इक्विपमेंट है। पास का थोड़ा व्यू दे देता हूँ कि हमारे होटल के पास थोड़ा कैसा है। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है सामने वैगनार। यहाँ इधर से आए थे हम लोग इस साइड से ना, और अभी साइड से जाएंगे सीधा वहाँ तुंगनाथ के लिए रास्ता जा रहा है। अब ये यहाँ से व्यू है ऐसा, सी कितना मस्त व्यू है ना, एकदम बिंदास। तुंगनाथ टेम्पल है इस पहाड़ के ऊपर यहाँ। तो पहले तो हमें वहां जाना है लगभग 4 किलोमीटर, भैया बता रहे थे, और फिर से हमें यहीं वापस आना है। हमारी एक भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है, देखो तुम। इसमें आज हमने कुछ नहीं मिलाया, ना प्याज है ना इसमें मिर्च है, बस प्लेन है बिल्कुल। देखो इसे एक बार ऑमलेट खिला दी भाई ये भुर्जी, तब से यहीं खड़ी है बार बार। राजा भैया सनस्क्रीन लगाते हुए, पहले कोल्ड क्रीम लगा ना, चीज हो रही ना मुंह पे, है नी भाई। कल ऐसा हो गया ना मुंह बिल्कुल रेड हो गया। और तैयार हो चुके हैं, अब बस निकलते हैं हम अपने रूम से और चलते हैं तुंगनाथ टेम्पल की तरफ। सो लेट्स गो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई अब हम अपनी हैप्पी जर्नी शुरू कर चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल की तरफ। यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर है तुंगनाथ का जो टेम्पल है वो, और वहाँ से होगी फिर ट्रैकिंग स्टार्ट। ट्रैकिंग अराउंड भैया बता रहे थे कि 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। होटल से निकलने भाई हमें काफी देर हो गई है, 10 बज चुके हैं। काफी ज्यादा स्नो के बीच से भाई गाड़ी पार करते हुए राजा द सेबेस्टियन वेटल इतनी खतरनाक गाड़ी चला रहे हैं, 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के हमारे साथ हैं आज। तो राजा जी आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक यहाँ पे गाड़ी चलाने का? एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, जब तक कहीं गाड़ी नहीं फंसेगी तब तक अच्छा ही रहेगा। नहीं आपका क्या कहना है, जैसे आप अभी जो ये ग्रे आइस है इसके ऊपर आप कार चला रहे हो, तो इसके कंपैरिजन में और प्लेन रोड्स में क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? ये डिफरेंस है गाड़ी स्किड हो रही है बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में। गाड़ी चल रही है अपनी मर्जी से, हम तो बस बैठे हैं। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे पार्किंग का काफी बड़ा इशू है। ये देखो तुम कितनी सारी गाड़ियाँ और यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है। सो भाई हमें कहीं आगे जगह देखनी पड़ेगी अब, क्योंकि यहाँ तो इशू है। राजा भाई आप तो बिल्कुल बैग बैग लेके आए हो, क्या बात। मैं हूँ पहाड़ी और विशाल चौधरी, मैं छोरे मगलू के, हम आए यहाँ व्लॉग बनाने। फाइनली भाई गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ की तरफ, क्योंकि तुंगनाथ से काफी आगे हमने गाड़ी लगाई है, लगभग 400 मीटर होगी राजा है। और ये देखो तुम कितनी गाड़ियां खड़ी हैं रोड साइड पे। यहाँ से तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है भाई। अभी हम फिर से नीचे वापस आ गए हैं, क्योंकि जो हमारे शूज है ना ये बहुत स्लिपरी है भाई। 200 रुपए बता रहे हैं एक पेयर के, कैन यू बिलीव दिस, 200 रुपए भाई, क्या लूट है मतलब। ये क्या भाई काफी ऊपर जाए हम, क्योंकि वहाँ स्लिपरी हो रहे थे बहुत ज्यादा। कैसी ग्रिप आ रही भाई? भाई ग्रिप ठीक है, दिखाइए एक बार, मतलब इतनी भी ग्रिप नहीं है जितना ज्यादा शोर मचा रखा है, बट हाँ कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो भाई वो तो ऊपर ही जाके पता चलेगा। अभी हमने शूज ले लिया है वैसे तो, शूज भाई सामने रखने हैं वहाँ। सो गाइज अब हुई है हमारी रियल जो चढ़ाई है तुंगनाथ टेम्पल के लिए वो स्टार्ट, क्योंकि अब हमारे पास है शूज और इनके पास स्टिक है। मैंने स्टिक नहीं लिया है क्योंकि मेरा जो एक हाथ है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, और मैं इसे एक्सप्रेशन में यूज करना चाहता हूँ। अभी हम स्नो के ऊपर आ चुके हैं पूरे, और यहीं पे चेक करनी है भाई इन शूज की ग्रिप जो है। राजा ग्रिप कैसी है शूज की? ग्रिप काफी अच्छी है, सही है। हमारे नॉर्मल शूज थे उनसे बहुत अच्छी ग्रिप है। गिर जाते हम दो बार तो भाई सच में गिर जाते। हमें यार 2-3 बंदे मिले थे, हमने उनकी सलाह मान ली, और मुझे लगता है बहुत काम की सलाह दी उन्होंने। उदयपुर से थे वो, उन्होंने हमें कहा कि भाई शूज ले लो जरूर वरना मरोगे तुम, तो भाई इसलिए हमने शूज ले लिए। काफी फायदा का सौदा रहा है शूज लेना। मैं देखो तुम प्लास्टिक फ्री जोन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड, तो भाई यहाँ प्लास्टिक का जो यूज है वो बैन है, हमारे पास तो कुछ है नहीं प्लास्टिक का। और भाई मैं तो लोहे का हूँ तुम्हें पता ही है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखो भाई यहाँ से व्यू कितना मस्त है, ओह। और भाई ये रास्ता ट्रैकिंग, ओ माई गॉड, बम भोले बम भोले। टिकट लेने पड़ेंगे भाई, ये बोल रहे हैं कि कपाट बंद है ना, तो इसलिए 200 रुपए का टिकट है। यहाँ देखो ये प्राइस लिस्ट लिख रही है, 5 से कमाई फ्री है, छात्र 5 से 18 50, छात्र 18 से जो ज्यादा हैं उनके हैं भाई 100, और जो वयस्क एडल्ट्स उनके 200, जो बूढ़े हैं भाई उनके 100, मतलब जो विदेशी हैं फॉरेनर्स हैं उनके 100 रुपीज। तो ये पूरी पता कौन होता है जिसकी 60 साल से ऊपर हो जाए, तो तेरी तो 60 से ऊपर ही है भाई। राजा का तो स्टाफ चल गया पुलिस का, हमारी स्टूडेंट आईडी चला दी आयुष की, पे ही हो गया काम वैसे तो।
तो अब 100 रुपीज लगेंगे पर पर्सन। अभी यहाँ पे चेकिंग हो रही है वैसे, यहाँ ये सर हैं जो चेक कर रहे हैं। मेरी सैलरी तो नहीं मांग ली ना। कहाँ 800 रुपए और कहाँ 300 रुपए भाई, 500 रुपए बचा दिए हमने, देख रहे हो तुम, वरना 4 लोगों का टिकट लगता भाई 800 रुपए का, 200 रुपए पर पर्सन। हमने एक तो स्टाफ चलाया राजा का और 3 की स्टूडेंट आईडी चला दी, एक ही आईडी के ऊपर, सिर्फ क्या उसकी आईडी के ऊपर चला दी हमने पूरी। भाई इतने ज्यादा लोग है ना यहाँ, मतलब काफी भीड़ है वीकेंड की वजह से। ट्रैक अगर कोई भी करना है ना तो बिल्कुल स्लो चलो, जितनी तुम्हारी मिनिमम स्पीड हो, और बस चलते रहो तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी थकान होगी बट बॉडी नहीं थकेगी तुम्हारी। हाँ भाई, शंकर भगवान के जय की जय। जय क्या कह रहा आंसू, थक गया क्या आंसू? आज तक सैम्स करके नहीं थका कभी? सैम्स कराई नहीं आंसू ना आज तक, थकता कहाँ से आंसू कराने का। कहीं नहीं गिरना क्या? चल उत्सव भाई, नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। हाँ कोई नहीं, यही तो फन है। और यहाँ क्या करना है? इधर को हो गया, इधर से यहाँ से। हाँ उत्सव सही कह रहा है। पर भाई मजा तो एडवेंचर में ही है। भाई कह जाऊंगा ऊपर, देखना वहां जाना है भी था। देखना भाई वहां से आए हम, जहां वो आदमी नहीं खड़े वहां से ले गए, पूरा रास्ता कवर किया हमने। मेरे पास यार इतने सामान है ना, इन्हें कैरी करना बहुत मुश्किल काम है भाई। इतनी देर हो गई ना चलते चलते बहुत ज्यादा, और अभी 2 भाई मिले थे, वो खुद ही बताने लगे कि भाई जितना आए हो अभी इतना उठ जाना है। वैसे मैंने और राजा ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग किसी से नहीं पूछेंगे कि हम कि कितना रह रहा है अभी। बट भाई राजा कैसा लग रहा है ब्रो? भाई एक से पता करा उसने, कहा तुम अभी आधा तक आए हो, आधे रास्ते में हालत खराब हो गया बहुत ज्यादा। हमें सर मिले हैं, सर बोल रहे हैं कि अभी 1 घंटा और लगेगा ऊपर जाने में। जल्दी कर जानते हो, क्योंकि दुख लगी ना, और आपको काफी स्लिपी होगी, ज्यादा भी इतना टफ नहीं था, स्लिपी काफी हो रहा है। सही कह रहे हैं, तो थोड़ा तेज जाना पड़ेगा, मतलब आराम से, बट आराम से, एक दो जगह रास्ता खराब है। गाइस 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 ये क्या बता दिया हमें, हम तो सोच रहे थे कि धीरे धीरे चलना है, बट ये जो भी मिले थे सर हमें बोल रहे हैं कि मतलब सेफली जाओ बट थोड़ा तेज मूव करो, क्योंकि जितनी शाम होगी ना उतना ज्यादा धूप कम होगी तो बर्फ टाइट हो जाएगी, तो और ज्यादा जो सरफेस है वो और ज्यादा स्लिपरी हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था ये जो ये वाला है ना, ये कर्व, ये जो ये चढ़ाई है, मैं सोच रहा था ये फाइनल चढ़ाई होगी, बट इट्स नॉट द केस। अभी यहाँ से 1 घंटे की लगभग और चढ़ाई है, तो हम कोशिश करते रहेंगे। फाइनली भाई हम उस स्टीप चढ़ाई पे आ चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा था तुम लोगों से। और यहाँ बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत ही छोटा सा, ये देखो तुम कितना सा रास्ता है बस यहाँ, और यहाँ तो ये रेलिंग भी नहीं है। हालत खराब भाई, हालत खराब भाई, एनर्जी बिल्कुल लो है, 0। भूख लग रही है बहुत तेज, और पता नहीं क्या हुआ। मैं सोच रहा था भाई ये जो स्टीप अभी करवाया था ना वो खत्म हो गया चढ़ाई, बट लेकिन अभी वो देखो तुम क्या जबरदस्त चढ़ाई है। पहुंच गए भाई, पहुंच गए भाई, पहुंच गए फाइनली। अब भाई यहाँ से बस बुला ही लिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राम जो उतरना, हर हर महादेव। मेरी नाक बह रही है बहुत ज्यादा भाई, किसान ऐसा हो रहा है ठंडी सांस की वजह से। हाँ भाई, बर्फ होने के बावजूद भी पसीना ऐसा है। हाँ गर्मी है बहुत। हो बोले तेरी नगरी में। ये देखो तुम, फाइनली गाइस हम टॉप पर आए गए, और हमने काफी तगड़ा शॉर्टकट लिया था सामने सीधा, अदरवाइज ऐसे घूम के आता ना उधर से जहाँ से लोग आ, ये ट्रैक आ रहा है इधर वाला, अभी वो सामने आंसू जा रहा है, और सामने हमारे तुंगनाथ जी का मंदिर बहुत खूबसूरत, बताते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर है शिव जी का।
ये है यहाँ कपाट जो कि अभी बंद है। तो क्या कर रहा है? चला नहीं जा रहा तेरे से भाई? चल गया भाई ऊपर आ गया ना, एक अचीवमेंट वाली फील आई है, कुछ हासिल कर लिया कि जैसे कुछ किया हो, मजा आ गया। आगे जाओ। अभी हो रहे हैं? अच्छा नहीं जाना, नीचे से वो आया है कि स्नोफॉल होगा, अभी होगा, जैसे कल भी हुआ था शाम में। हाँ। ये मतलब शायद 7-8 बजे के आज जरूर होगा, हो सकता है अगर पहले हो जाएगा तो कुछ स्लीप हो जाएगा। तो अभी तो नीचे उतर जाना चाहिए ना फिर। मतलब आगे जाने को तो साफ ही मना किया है। अच्छा यहाँ से ठीक है मैम, थैंक यू। या चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी तो मौसम देख रहे हो, मौसम भाई ये देखो तुम कितने ज्यादा बादल हैं। तो अभी ऐसा बता रहे हैं कि स्नोफॉल हो सकती है, और अगर स्नोफॉल हुई तो जो ट्रैक्स हैं जितने बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो सकते हैं, और नीचे उतरना हार्ड है ऊपर चढ़ने से। कैसा लगा ऊपर आने के बाद? बहुत एक्सपीरियंस। ऊपर आने के बाद डर तो बहुत लग रहा था पर आके वसूल हो गया। तो राजा जी बताइए आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? बहुत एडवेंचरस रास्ता था। हाँ। और काफी थक भी चुके हैं आने में यहाँ तक। ठीक है। और हमारी एक गलती है, हम अपने लिए खाने पीने की चीजें नहीं लेकर। हाँ ये बहुत बड़ी गलती है। आयुष स्टैंड अप योर नोट। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ बताएंगे? अब्बा जब्बा फाइनली गाइज यहाँ पे लगभग आधा घंटा स्पेंड करने के बाद काफी मजा आया यहाँ, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, व्यूज तो यहाँ पे हैं भाई कमाल के। और अब हम शुरू कर चुके हैं अपनी ऊपर से उतरने की प्रोसेस स्टार्ट। समय हो रहा है भाई 2:25, 2:25 हो रहे हैं। हमने अपना टारगेट रखा है कि 3 बजे तक हमें नीचे उतरना है। हार्ड है भाई, इजी नहीं नीचे उतरना। टाइम हो चुका है 3:04, और देखो लगभग हमें हो चुकी हैं, लगभग हमें 40 मिनट्स हो चुकी हैं उतरते उतरते। सो हमने सोचा था कि आधे घंटे में नीचे उतर जाएंगे, बट भाई ये बिल्कुल भी, ये तो थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल था, ये बात तो हमें भी पता था, बट इसकी वजह से ना रास्ते में यार हमने बहुत लोगों की हेल्प भी की है नीचे उतरने में, क्योंकि उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी ना, इसलिए तो हमें थोड़ा टाइम लग गया। लगभग ये मान लो 10 मिनट हमारे वहाँ पे ख़राब हुए, अदरवाइज हम थोड़ा और नीचे उतर जाते अब तक। हम तो शॉर्टकट मार के आ गए मैं और राजा, इनकी देखो कैसी हालत ख़राब हो रही है। ये भाई चढ़ने में तो सबसे आगे थे उत्सव और आंसू, और लेकिन आने में ना भाई हमने ना फेल कर दिया, सबसे आगे हैं मैं और राजा। फिर से शॉर्टकट, पूरा रास्ता भाई शॉर्टकट से कवर कर रहे हैं हम लोग, और इसका बेस्ट तरीका है तुम्हारी एडी है ना इसे गड़ाओ ऐसे पहले, फिर चलो। चीयर्स ब्रो, चीयर्स। हालत खराब तो दोस्तों, चीयर्स। हम यहाँ पे पी रहे हैं अमूल की खट्टी लस्सी। मेरी मीठी अन की खट्टी है, इन्हें भैया ने स्पेशल दिया है। तुमको मीठा पसंद है ना? भाई बस थोड़ा सा रह गया यहाँ से, और लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है यार, पर हालत पैर तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, ख़त्म बिल्कुल, अंगूठा इतना दुख रहा है पैर का। फाइनली भाई चढ़ाई ख़त्म हुई, और वो रहा सामने गेट, और यहाँ है हम चारों, सबसे पीछे आंसू है, फिर राजा, फिर मैं, फिर आयुष।
इसको। राजा ने नहीं बजाई, अब इसके घंटी भगवान बजा देंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में और अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हैं चमोली में। ये आनंद होटल है। अभी टाइम हो रहा है 6:52 और यहाँ से ऋषिकेश है 202 किलोमीटर। वो देखो वहाँ बोर्ड लग रहा है ऋषिकेश 202 किलोमीटर और ऋषिकेश से भी लगभग हमें 120 किलोमीटर आगे जाना है आज। वैसे तो हम घर आ ही जाएंगे, यहाँ से हमारी जो जर्नी रहने वाली है वो अराउंड 200 और 120 किलोमीटर और तो लगभग 320 किलोमीटर के आसपास हमारी जर्नी अभी रहती है। जाना तो आज ही है हमें, बट अभी अभी हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। आशु ब्रो क्या क्या ऑर्डर किया है तुमने भाई? दाल वो आपके दाल फ्राई। हाँ और एक कढ़ाई पनीर और रोटी बटर रोटी बटर वाली। कैसा लग रहा भाई खाना राजा जी? स्वाद है कढ़ाई पनीर कैसा? खाना बढ़िया बढ़िया। सो गाइस अभी हम लोग खाना खा के यहाँ से निकल चुके हैं। भाई खाना बहुत स्वाद था। अगर तुम चमोली के आसपास कहीं से जा रहे हो, चमोली से मतलब गुजर रहे हो, तो ये जो आनंद होटल है ना यहाँ से तुम खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया है, बट हाँ भाई इन्होंने हमें ये फ्री में दिए हैं गज्जक हैं 4। तो ये कह रहे थे कि कोई नहीं भैया आप खाओ और मतलब अच्छा लगा आप हमारे यहाँ आए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ संगम। अभी हम पूरा वहाँ से उतर के आए हैं। वो जो गाड़ी जा रही है ना वहाँ देख रहे हो ट्रक जा रहा है, वहाँ से उतर के आए हैं। और वो वहाँ हैंगिंग ब्रिज है ना वो वाला, वहाँ से आए हैं अभी हम। दोबारा आया था ना 2023 में कावड़ यात्रा के टाइम, तो मैंने तुम्हें देवप्रयाग का जो संगम है वो दिखाया था दिन के टाइम पे। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ जो संगम है वो रात के टाइम पे। अभी बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे देखो तुम संगम कैसा दिखता है। ये देखो तुम ये आ रही है भगीरथी, वो वहाँ से हम लोग आए हैं वो ब्रिज से। ये भगीरथी और इस साइड से ये अलकनंदा। सो ये है हमारा संगम और यहाँ से चलती है हमारी गंगा जी स्टार्ट होती है मतलब। सो ये है भाई अभी ओह चोट लगी भाई बहुत तेज आज। भाई घर जाने का कोई मन नहीं आशु का, यहाँ लाइट जल रही थी आशु ने यहाँ लगवा लिया मैगी का सेटअप भाई भूख लग रही है। शांग भाई कॉफी का टाइम कितना लगेगा भाई? बस बन ये समझो वो तो डाल दिया मैंने इसमें सारा सामान, तो सारा सामान क्या डाल दिया से भाई? बस चीनी है और कॉफी है और क्या कैपेचिनो थोड़ी मिलेगी। एक बार पीछे को दिखा शांग बना कहा रहा है लोकेशन बहुत क्या नहीं भाई मल्टीटास्किंग यहाँ एक साथ हो रही है। नीचे मैगी बन रही है, यहाँ देखो ट्राईपोर्ड लगा दिया है भाई और कैप्चर पता क्या कर रहे, सामने प्लेन पहाड़ है कुछ नहीं है, एक दीवार है मिट्टी की दीवार है, उसे कैप्चर करने की कोशिश चल रही है और एक ही जगह नहीं चल रही, यहीं चल रही है। ये देखो MI का फोन है सन 47 मॉडल का, ये उस पे था गांधी जी के पास थे वाला फोन है। ये देखो एक यहाँ चल रही है तो भाई बस काम ऐसे ऐसे है ना जिनकी कोई भाई हद नहीं है